हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक ड्राइंग दूंगा जो ये डिजाइन फैन का डिजाइन का ड्राइंग है। तो ये काफ़ी अच्छा डिजाइन है क्योंकि ये डिजाइन देखने में काफ़ी अच्छा है और इसको बनाना भी थोड़ा मुश्किल ही है, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इस डिजाइन को बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे होम से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को डिजाइन दिखाना चाहता हूँ। ये जो डिजाइन देख रहे हैं यही है डिजाइन, इसी का आज आप लोगों को मैं ड्राइंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, पहला प्रोसेस रहेगा आपको इस सूता को पटकना। ठीक है, तो कोई भी डिजाइन हो पहले प्रोसेस वही रहता है कि पहले सूता को पटकते हैं, उसके बाद से ही आगे वाला काम करते हैं। तो पहले सूता को हम अपना सूता का निशान लगा लेते हैं। तो ये होगा सूता का निशान, ठीक है, और एक सूता का और निशान लगा लेते हैं इधर से। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा डिजाइन है, ये देखने में भी अच्छा है डिजाइन, और ये जब बन जाता है तो ये देख उससे भी और अच्छा लगता है जब बन जाता है। तो ठीक है, तो इस वीडियो का पूरा देखते रहिए। ये हो गया आपका फैन का जो सेंटर का जो सूता हम लोग लगाते हैं वो हो गया, ये बीच वाला फैन का आपका निशान हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे मैं हर एक वीडियो में बताते आया हूँ और इसमें इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो आपको डिजाइन बनाना होगा तो उस पर आप फार्मा को सेट कर लीजिएगा। ठीक है, वो फार्मा जैसे आप सेट करते हैं, कील हो गया या फार्मा हो गया, तो जैसे ये लकड़ी होता है तो ऐसे फार्मा को आप आगे पीछे करते हैं तो आप जितना मर्जी जब करते हैं उतना ही बड़ा डिजाइन बनता है। ठीक है, तो जितना बड़ा करेंगे वो आप कमरे के हिसाब से, रूम के हिसाब से आप डिजाइन को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लॉबी हो, बड़ा सा लॉबी हो उसमें बड़ा डिजाइन बनता है, जो कमरा है उसमें छोटा बनता है। तो हम इस पे छोटा ही बना के आप लोग को दिखाएंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिजाइन आप लोगों को काफ़ी बार बताया हूँ बट उसी डिजाइन से ये रिलेटेड है, तो इसको आप देखते रहिएगा पूरा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो। तो दोस्तों पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको फार्मा है वो फार्मा को सेट कर लीजिए जितना बड़ा बनाना है। ठीक है, तो फार्मा को फिट करने से फ्रेंड्स उसके बाद से क्या कीजिए कि ये जो आपका ये जो निशान है, इधर वाला निशान है, इधर वाला निशान है, चारों जो निशान है ये आठ गुलाई वाला है, ये आठ निशान वाला है, ये चार निशान है ना, इससे आठ निशान वाला डिजाइन है, बट पहले चार निशान आपको बनाना है, उसके बाद से आठ निशान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फार्मा को फिट करने से बाद क्या कीजिए कि आप ये कील को जहाँ मर्जी तहाँ रखिए, लेकिन इस फार्मे को सेंटर इस पर जाना चाहिए। देखिए इस पर सेंटर यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर आया तो इसको यहाँ पर करके इसे इतना कर दीजिए। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, ठीक है, ये हालांकि आपको डिजाइन ये पूरा नहीं तैयार करना है लेकिन डिजाइन को इतना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसको ऐसे सारे को हम घुमा लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। तो ये देख लीजिए दोस्तों कि इतना डिजाइन ये तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से आपको करना कैसे है, तो एक तो आप ये देख सकते हैं कि इतना जो डिजाइन तैयार करने में हमको चार गुलाई का जरूरत पड़ा है। ठीक है, बट हमको क्या करना है, आठ गुलाई की जरूरत है। तो आठ गुलाई की जरूरत है तो जो इसके बाद से जो गुलाई हम लगाएंगे वो कहाँ से निशान लगाएंगे, उसका निशान लगेगा इसके सेंटर से। तो आपको ये सूता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद खुद आप अंदाज कर सकते हो। ठीक है, ये खुद ब खुद आप अंदाज कर सकते हो इसको कहाँ से आपने घुमाना है, इसके बीच सेंटर में कहाँ से लाना है हमको। ठीक है, तो एक बात को ये ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ से सेंटर लाना है। ठीक है, तो हम आप लोग से जैसे बताए हैं कि ये जो सेंटर है ये निशान पर लगेगा, तो इधर निशान नहीं है तो कहाँ पर लगाएंगे, तो आप लोग को कहाँ लगाना है, इसके सेंटर में लगाना है, इसके सेंटर में लगाना है। ठीक है, ये सारे के इस सेंटर में लगाना है। तो जैसे इसके सेंटर में यहाँ पर हम रख लेते हैं, इसके सेंटर में ऐसा आ गया तो देख लीजिए ऐसा लग गया, तो ये इसका सेंटर यहाँ पर आया। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सेंटर यहाँ पर आ गया। तो चलिए वैसे सारे सेंटर को हम नाप लेते हैं, आ गया। आ गया।
तो चलिए, हालांकि इसको हम निशान लगा लेते हैं पहले, तब आप लोगों को समझ आएगा। हालांकि दोस्तों इसको आप अगर जो ध्यान देते हैं तो इस डिजाइन को बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हो गया यह। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसको आप लोगों को पता है, जैसे कि उस डिजाइन बताए थे, इस डिजाइन को पूरा तैयार नहीं करना है। ठीक है, इस डिजाइन को इतना ही तैयार करना है, ये देख लीजिए। तो हालांकि आप लोगों को ये डिजाइन जो है ना, इतना ही पर निशान उतना, ये सारे के सारे, ये जो इधर से करेंगे ना, यहाँ से जो गोलाई घुमाते हैं, इसको इतना ही लाना है। ठीक है दोस्तों, यहीं इतना ही लाना है, पूरा नहीं लाना है। ठीक है, जो सारा का सारा गोलाई जितना है इधर, इतना ही लाना है, इतना ही लाना है। ठीक है, तो चलिए, ये तो सारा का सारा हम इस निशान पर लगा दिए हैं निशान। अब इसके बाद से हम इसको डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद से आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से ये डिजाइन दिखता है। तो देख लीजिए, ये हम इसको डबल कर दिए हैं। जैसे आपका डिजाइन बनेगा इस तरीके से, आप अपना डिजाइन बनाएंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे वो आप लोगों को डिजाइन हम दिखाए हैं, आप लोगों को जो फोटो आपको दिखा रहे हैं, वो उसी फोटो की तरह ये बिल्कुल सेम टू सेम डिजाइन हम बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि आप लोगों को जैसे बताया कि ये चार सूता पटकेंगे, बाकी पांचवा सूता ये जो फिर चार सूता होगा, इसको आप लोगों को नापने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ब खुद उसी जगह पर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो दोस्तों फार्मा को आगे पीछे मत कीजिएगा, क्योंकि फार्मा को आगे पीछे करेंगे तो आपको ये बनाने में काफी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ये जैसे जहां जहां पर सारा का सारा निशान आया है, बिल्कुल सेम टू सेम इस निशान को ये सुराग आया है। ठीक है, ये खुद ऑटोमेटिक ये सुराग आपको वहीं पर फिट होगा जहां पे आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों कोई भी वीडियो हो मेरा, आप लोग उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब बाकी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप बीच में छोड़ के वीडियो को कमेंट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।